बंदी सिंह के नाते ड्रामा करते हैं गे, कौम के नाते ड्रामा करते हैं, कौम के नाते पांच बारी पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। वो जिहड़े कुत्तियां दे तू देखा ना भी इत्थे कईआं दे कीड़े पए हुंदे नेगे, वो इहो जिहे राजनीतिक लीडर ने जिहड़े इत्थे तुरे फिरदे ने कुत्ते। आ फिर जिहड़े कुत्तियां दे कीड़े पए ने सिरां दे विच, इह मनप्रीत बादल वर्गी ने, उन्हां तों असीं की रख लांगे सी आस वी राजा बड़िंग साडी कौम दी गल करू। इंदिरा गांधी दा मुंडा है राजा बड़िंग, झूठ बोल बोल के सौहां झूठियां खा खा के सत्ता दे विच बह गए, इन्हां दे कीड़े पैणगे बंदिआं नूं। स्पीकर की गल करिए कुलतार संधवा की, यह बशर्मने यार कल हूँ कि नौ लीए, यह सारे इको जिके हो गए। जिदन इन्हों की सरकार सी उदो छड़ा नहीं सकते सी, एक कुत्ते दले ने यार, है अज ड्रामे करके दिखाते बंदी सिंह रिहा करो, तुसी असी आपे रिहा कराना, कौन ने कराने वाले। मेन जो डर इस चीज़ का भी इन्होंने जो ये कौम के हीरे बाहर आते हैं, सारी कौम कट्ठी होजू कल आपकी पंजाब की सत्ता पंजाब नूं अपने तरीके नाल चलाउणगे, सानू किने पुछना। चोरां नूं सब तो वड्डा डर ही इह है, साडे धर्म नूं ढाल लाई आ, किने लाई आ, श्रोमणी कमेटी ने लाई आ, बादलां ने लाई आ। जिहड़ी श्रोमणी कमेटी आ, कौन कहिंदा श्रोमणी कमेटी आ यार, कोई श्रोमणी कमेटी नहीं, ठग ने चोर ने जवाने दे साले। तीजे दिन सुखबीर बादल कहिंदा भगवंत मान ने यह किया, भगवंत मान भांडा, भगवंत मान ओह आ जो आ बहु है, पर जे तेरी सच्चियो भगवंत मान थोनू आम आदमी पार्टी सरकार चंगी नहीं, तो तुसी बराबर एक धरना ला के दिखाओ एक महीना इत्थे। जे अज एक जुट हुंदा ना पंजाब सिख कौम, किसी की जरूरत नहीं पंजाब कली नूं मूंह करके झाक जू। यही भगवंत मान वोटों के पहला आके ड्रामा करता सी, अज उही भगवंत मान किधर गया। तेरा केजरीवाल कहिंदा सी 24 घंटे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी दा इंसाफ देवांगे, अज किन्ना टाइम बीत गया जी, कित्थे किधर गया इंसाफ। ਤੁਰਿਆ ਹੁਣ ਜੀਰੇ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਨੇ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਫਿਰ ਜੀਰੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ? ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक गल ना मैं देखी है, जदों किसानी जिहड़ा अंदोलन चलिया उदों ना पहलां असीं पिंडां दे विच फिरदे सीगे, वी पिंडां दे विच मेरे कोल इक पीटरड़ा जिहा हुंदा सी, पिंडां 'च बोलदे फिरदे वी यार इक लहर बणूगी, इह तुसीं कढ के देख लो, मैं उत्थे गल बोलदा हुंदा वी इक लहर बणूगी किसानी अंदोलन दी, उह लहर सीगी हौली हौली। इक दिन ही नहीं, इहनूं धरना चलण नूं किन्ने दिन होए ने जी, 7 तरीक दा, ते 10-15 दिन होए नेगे जिहड़ा धरना चलण नूं, बहुत थोड़े दिन होए नेगे। आउण वाले दिनां दे विच इह जिहड़ा आ सोशल मीडिया जिहड़े तुसीं चैनल वाले भरा हो, जो इतने अभी साढ़े वर्ग खड़ के लाण तो पाँगे नौजवानों, भी तुम मोहाली चंडीगढ़ के कीड़े देंदे फिरते हो, कलाकारों लाण तो पावे, क्योंकि कलाकार सारे इतने बैठे ने गे, पंजाब के जोड़े कलाकार ने जिन्हें भी बंदी सिंघां दे गीत गाए ने गे, जिन्हां ने बंदी सिंघां दी बहुत सारे कलाकार ने गल की आ, अज कलाकार इतने हाजरी लवा नहीं आ रहे, 2 किलोमीटर दूर ही ने कलाकार इतों, सारे को होमलैंड बैठे ने, कोई अलग अलग जोड़े इतने जिन्हें भी फ्लैट ने उत्थे बैठे ने गे, इतने आके हाजरी नहीं लवा सकते, क्योंकि कलाकारों देख के हुण जिहड़े किसानी अंदोलन दे विच लोक गए, एक कलाकार नूं लोक सुणदे ने जिहदा गीत 2-2, 10-10 मिलियन सुणदे ने, तां उहनूं सुण देख के नौजवान नहीं आउणगे। उहनां कलाकारां नूं मेरी बेनती आ भी भाई इत्थे आ के, जां तां तुसीं बड़ी कौम दीआं गल्लां करदे हो, इत्थे आ के हाजरी लवाओ, जिन्ना भी तुसीं सोशल मीडिया चलाउंदे हो तां पोस्टां पाओ भी आओ नौजवानों तुसीं इत्थे आओ। इस करके दूजी जिहड़ी गल आ, हुण देख भाई आ जिहड़े नवें सारे लग रहे नेगे, आ नौजवान नेगे, आ मोहाली दे नौजवान नेगे, भाई किहड़ा पिंड सी आपणा, अबरावा पिंड, आ देखा सारे नवे लग रहे हैं, गया सारे जिम्मे अभी दिल्ली के पक्के मोर्चे ला रहे थे उमें पक्के मोर्चे लग रहे हैं हूँ ये नौजवान। हाँ जी, हाँ जी, सन दिल्ली वाली है, दिल्ली वाली सन आते बहुत सारे थावान से, जिन्हें दिल्ली वाले ट्रालिया तैयार कराई हुई ने, ट्रालिया ने ना पिंड तैयार कराई अंदोलन वेले तैयार कराई, सारिया सारिया ट्रालिया इतने लिया के लाओ, जिन्हों ने भी वह साधन तैयार कराए थे वो सारिया इतने लिया के लाइया जाए, तो नौजवान सारे इतने ला रहे हैं भाई। एक मैं गल होर कहना चाहना थोड़े माध्यम राही, मैं जिहड़ा अपना 3B2 आ जां इत्थे गेड़ी रूट आ, इत्थे पूरे पंजाब तो नौजवान आउंदे नेगे, खास करके साढ़े सिखां दे नौजवान ने, इत्थे आ के तेल फूक के मुड़ जांदे ने, उत्थे की करदे नेगे गड्डियां दे विच बाज चक लैंदे ने, उहनां नूं मेरी बेनती है भी 2 घंटे ला के इत्थे चंगे जिहड़े साडे बुलारे ने उहनां दी गल सुण के जाओ, तां ही तुहानूं पता लगू साडा धक्का की हो रहा है। हुण जदों तुसीं गल सुणन नूं नहीं तैयार, सारा दिन ला के गड्डियां 'च गीत भज्जे फिरदे, तुहानूं पता की लगू साडा हो की रहा, साडा धक्का की हो रहा, तुहानूं पता किवें लगूगा भी जिहड़ा जे राजीव गांधी के जिहड़े कातल ने वह रिहा हो गए, सोडे बंदी सिंह क्यों नहीं रिहा किए जा रहे, सोनू के जे सोनू किवें पता लगूगा भी सरसेवाल नूं पहला किन्ने वारी परोल ते आ गया, हुण फिर जिहड़ा परोल तैयार है,
ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਨੇਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਂਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆ ਬਹੁ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਓ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿੱਚ 13,000 ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਜੇ 5 ਵਰਕਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 50-60,000 ਬੰਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਉਣ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨੇਗੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਕ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਭਾਜੀਏ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦਾ ਬਸ਼ਰਮ ਆ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਰਮ ਨੇਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਚੋਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨਵੀਂ ਕਰਨ ਵੇਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵੇਲੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਇਓ ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾਂਗੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਮ ਨੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੋਟ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਮਤਦਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੋਟ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸਤਾ ਨਵਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਲਿਓ ਥੋੜੀਆਂ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਭੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ
है अज ड्रामे करके दिखाते हैं बंदी सिंह रिहा करो तुम असं आपे रिहा करा गए कौन ने कराने वाले तो आ देखो जी बात बिल्कुल सही है गल भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत गल गुस्सा जाया जाए सुनने वाली गल जी श्रोमणी कमेटी आ कौन कहता श्रोमणी कमेटी है यार कौन तुम कहने हो दसो मैनू एक पासे तुसी कहने हो चमचे आ लिफाफियां चो कढ़िया दूजे पासे तुसी बोलते हो श्रोमणी कमेटी कोई श्रोमणी कमेटी नहीं ठग ने चोर ने जवाने दे साले गालां सुणदे ते जे साडे धर्म नूं ढाल लाई आ किहने लाई आ श्रोमणी कमेटी ने लाई आ बादलां ने लाई आ जे अज एकजुट हुंदा ना पंजाब सिख कौम किसे दी जरूरत नहीं पंजाब कल्ली नूं मूँह करके झाक जू बाई ने बड़ी वधिया गल कही है ना नौ ना लो एक मैं उस गल का जवाब दिना गुस्सा बाई का बिल्कुल जो जायज़ बिल्कुल मन भरया पे इन्हों प्रति पर मैं एक गल दसदा बई असी ना मैं सोशल मीडिया जाऊँगा मैं शुरू करा तू देख ली बई चाहे मैं इन्हों के खिलाफ बहुत बोलता रहा जे आप खिलाफ बोले तो लोगों तक आवाज पहुंची इन्होंने तीन सीटा आईया ने गिया जे बई आप विरोध ना करिए लोग मैं खत्म आई हो गए बई खत्म आई हो गए जो जे मैंने खा अपना गुस्सा जाया कई बार साढ़े भी आगू जिम्मे बरगाड़ी मोर्चा लग्या साढ़े भी आगू जिन्होंने असं मान लें कि यार साढ़े है वह भी कितना कितने धोखा दे जाते जिम्मे बरगाड़ी के मन ठेस पहुंची है जे मोर्चा लोगों का आने तो मन नहीं करता तो कितना कितने उदो नहीं करता जो कोई आगू ही पासा वट जाता ज आगू ही पासे सरकार मैंने ये गल दस अज जे आगुओं ने जिन्होंने सू पिट दिखाई इतने छित्र खा के गए ने ना वो दादू वाल वर्ग के छित्र खा के गए ने ना बई तुम मैंने दस भी अज कोई जेडे आगुओं ने पिट दिखाई अज कोई लोगों के खड़ के कोई बोल लू बंदा यह थोड़े टाइम की गल आ लोग बड़े सियाने हो गए जवाना बदल गया पहलों वाली गल नहीं भी लोग इन्हों के पिछे लगे रहेंगे बाबा जी करी जाएंगे अजक जो मन के चल जो परख बड़ी जल्दी हो जाती है वह जवाना चलाया गया इस करके छित्र भी उन्होंने पेंदे ने हूँ कि करतार सिंह संधवा जो उत्थे जाके कह के आ रहा है मैं तस्ीफा दे दूँ कि वह जाके हूँ बोल लू पिंडा मैं नहीं लगता इतने तक भी जो हूँ इतने बैठा दिल्ली बैठा तो वो जरूर भाषण कोई दे जाता लोगों ने भी जाके दिखावे यह बड़ा जल्दी लोग हूँ जो नतारा बड़ा जल्दी कर देंगे ने गे फिक्र ना कर हूँ जवाना बदल गया जवाना हूँ पहला नहीं रहा पंजाब भी आम आदमी पार्टी सरकार है दिल्ली बहुते बंदी सिंह दिल्ली के क्योंकि जेल स्टेट के अंडर ही आदि होंगे तो जे एक जे कुछ सिंह है जो पंजाब सरकार के पंजाब सरकार जिम्मे तुम्हें कहा कि मता जिमें तमिल नाडु की सरकार ने मता लिया आपके जो राजीव गांधी कातल से उन्होंने छुड़ाने लंबाब या दिल्ली के हम गलते क्यों नहीं आते जो वोटों वे भी अं सवाल करते भुल्लर के बारे की ख्याल है मैं गल दादा सारे मसलों का हल है छित्र छित्र जो अभी तकड़े हो गए खिचा खिचा कट्ठे हो गए इतने लोग चंडीगढ़ के कट बधूगा लोगों का प्रैशर पेगा आने वाले समय के जिमें जिमें लीडर लीडरशिप प्रोग्राम लिपू लिखूगी वो जो फिर प्रोग्राम लिखूगी उन्होंने अं पहरा देवे फिर जाके मसले हल हो सब तो वही गल पता की है इन्होंने छित्र खिंचना जरूरी है हूँ जीरे वाला धरना है कि लोग कहे अभी जी फैक्टरी जी जो फैक्टरी बंद कराई है लोग हूँ इन्हों के झाड़ू वाले ज लीडरशिप यह कहूगी भी भगवंत मान ने बहुत वधिया फैसला लिया भगवंत मान ने 5-6 महीने पहला क्यों फैसला ले लिया जो अंदोलन शुरू होया हल छित्र है जो छित्र खिंचा लड़ांगे तो जे जाके मसलों के हल हो घर बैठे के मसले हल नहीं होने सब तो पहला सानू जे असी अंदोलनकारी लोग हाँ सानू अपने 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 हकों अपने पंजाब अपनी कौम घरों बाहर निकलना पैना क्यों बई जी पहली गल तो यही है भी सानू आना पैना जो असं घर बैठे कही जाइए फिर नहीं मसला हल होना जे असी इतने आगे इकट्ठ बधावे इतने आगे आपका एकता दिखावे फिर जाके सानू पता सरकार डिगदिया ने गियाँ सब तो बड़ा कारण हो सकता भी सरकार जिम्मे आप दूजी पार्टी की अकाली दल की गल कर रहे थे उन्होंने यह भी डर हो भी जे बंद बाहर आ गए तो लोगों ने यूथ ने तो इन्हें मगर लग जाना है इन्हों की गल भाई हवारा जी की गल करिए जगतार सिंह हवारा जी की गल करिए देखो मैं जिन्हें भी नौजवान आ मैं नौजवान जोड़े मेरे भी नाल देने वो सारे हीरो मानते हैं उन्होंने फर्ज कर चलो सारे बंदी सिंह का बहुत बड़ा योगदान है पर हवारा जी लोग गीतों के भी बहुत सारे कलाकार ने नाम लिता उन्होंने थोड़ा वध सत्कार है जो हूँ हवारा जी वर्गे बाहर आते हैं तो मैं लगता नहीं भी कौम का कोई बंदा बाहर जाके उन्होंने मूहे कोई गल करूँ जो मूहे कोई जाके सवाल जवाब कर सकता जो कोई किंतु परंतु कर सकता सारी कौम कट्ठी हो जूगी हूँ यही तो इन्हों तो यही तो डर आ मेन गल मेन जो डर इस चीज़ का भी इन्हों जो ये कौम के हीरे बाहर आते हैं सारी कौम कट्ठी हो जू कल ये आपकी पंजाब की सत्ता पंजाब को अपने तरीके चलाएंगे सानू किने पुछना चोरों सब तो बड़ा डर ही यह है चोर मचावे शोर यही करके करके साडे इन्हां दे सिंघां दे खिलाफ ने भी इन्हों बाहर नहीं आने देंगे ये आपो अपनी जी जिनी इन्हों मिली है थोड़ी मुट्टी पावर है जोर तो लाते हैं ना
इस करके यही गल है। अच्छा एक सवाल थोड़ा जिहा तो हट के, वह मनप्रीत सिंह बादल ते है, 11-12 सालों चौथी पार्टी हो गई है जी उन्हां दी, जिहड़ी बीजेपी नूं किसे टाइम निंदे सी जां पंजाब च बीजेपी दे पक्ष किसान अंदोलन वेले विरोध सी उदों मनप्रीत, अज उहदी विचोली मतलब कोई छड्डी नहीं लगता भी वड्डी पार्टी ते कोई शिरा ही नहीं गई हुण। देख भाई जिहड़ा इहनां दा काम की हुंदा ना राजनीतिक लीडरां दा, हुण उत्थे जदों आपणा भगत सिंह दी जा के उत्थे जिते शहीदी उत्थे शहीदी वाली जगह खड़कल कलां जाके ठीक है, उत्थे जाके दा भाषण सुननी, किड्डा वड्डा भाषण उहनां दित्ता लोकां नूं, ऐ लगदा सी उस टाइम भी इमोशनल कर रहा सीगा, सौ खाधी उस बंदे ने उत्थे जाके, इन्हां दा कोई दीन धर्म ही नहीं हैगा। मैं एक गल कहना चाहुंदा, जिवें बाई गल कर रहा सीगा, मैं गल कहना चाहुंदा तुसीं लोकां नूं इत्थे बुद्धू बना सकदे हो ठीक है, तुसीं इत्थों आपदी सत्ता भोग लोगे, पर एक जिहड़ा सब तों वड्डा जाके ना परमात्मा नूं तां जाके कोई दसना ही, असीं कर की आए हैं, लेखा तां देना ही पऊगा बाई, लेखा तां देना ही पऊ, जिहड़े कुत्तियां दे तूं देखिया ना भी इत्थे कईआं दे कीड़े पए हुंदे नेगे, उह इहो जिहे राजनीतिक लीडर ही ने जिहड़े इत्थे तुरे फिरदे ने कुत्ते, जिन्हां ने लोगों के नाल इस तरह बेवकूफ़ बना के भोले भाले लोगों इमोशनल करके सत्ता भोगी है, इन्ना पैसा धन दौलत की थोड़े नाल जाना यार, उही तुसीं झूठ बोल बोल के सौहां झूठियां खा खा के सत्ता दे विच बह गए, इन्हां दे कीड़े पैणगे, बंदिआं नूं जूनी दा भुगत नहीं पैणा, ठीक है आ सत्ता कोई आ कोई जन्म माड़ा मोटा चंगा भुगत जाऊंगे, गुरबाणी दे विच जिन्नी मेरी कोशिश आ कि मैं पढ़दा उन्हों देखना वह गल कहती है भी जूनों के बंद आना ही पैना आ, फिर जे कुत्तियां दे कीड़े पए ने सिरां दे विच, मनप्रीत बादल वर्गी ने गे ठीक है, उही लोग ने गे। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, गलबात की भाना सिद्धू साडे नाल सन, उन्हां दा कहना है कि बंदी सिंघां दी रिहाई लई पूरे नौजवानों पंजाब दे विचों इत्थे पहुँचना चाहिए तां कि जिहड़ा इह संघर्ष नूं वड्डे पद्धर ते लिजाया जा सके, क्योंकि इह कौम दा सरमाया ने, जिहड़े सिंघ अज जेलां दे विच बैठे ने इन्हां ने जे इह शहादतां ना दिंदे तां अज साडी कौम दा चेहरा जिहड़ा उह होर होणा सी, हुण किस तरीके दे नाल इत्थे नौजवान पहुँचदे ने, मोर्चा किस पासे वल जांदा है, कदों जित हुंदी है, इह तां आउण वाला समां दस्सेगा, पर इस वक्त वड्डी गिणती दे विच लोक इस मोर्चे दे विच डटे हुए ने।